पंजाब के सीएम भगवंत मान ने होशियारपुर में 867 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऐलान किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम आजादी के बाद की सरकारों ने 75 वर्ष में पंजाब के लिए नहीं किया, वह आपकी सरकार 5 वर्ष में करके दिखाएगी। साथ ही कहा कि सीएम भगवंत मान 867 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए हैं। किसी भी सरकार ने इतना बड़ा पैकेज होशियारपुर को नहीं दिया जितना यह सरकार दे रही है। इसके जरिए अस्पताल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, पानी के सप्लाई प्रोजेक्ट बनेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कें बनेंगी, मैदान बनेंगे। होशियारपुर के लिए शानदार पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे बड़ी बात मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर है। पंजाब में फिलहाल 4 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें से एक अंग्रेज बनाकर गए थे। आज़ादी के 75 साल में 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं। 1947 के बाद केवल 3 कॉलेज बने, पटियाला, फरीदकोट और मोहाली में। अब 1.5 साल हुए हमारी सरकार को, हमने 5 मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान कर दिया है। होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, मलेरकोटला और मोंगा में बनेंगे। जो काम 75 साल में हुआ उससे ज़्यादा हम आपको 5 साल में करके दिखाएंगे। केजरीवाल ने आगे आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आपकी सरकार एक ईमानदार सरकार है। पंजाब के हर बच्चे की शिक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पूरे पंजाब के अंदर 650 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। दवाइयाँ और टेस्ट फ्री में हैं। बिजली तो पहले से फ्री में है, 10,000 रुपये बिल आता था। अगले 2-3 महीने में पंजाब के विकास में बड़े बड़े कार्य होंगे। पंजाब में अब क्रांति आने वाली है। आम आदमी पार्टी बच्चों का भविष्य बनाती है और पंजाब में स्कूल अब अच्छे बन जाएंगे।